श्रीमद्भगवत गीता पंचमो अध्याय। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के सन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। श्री भगवान बोले, कर्म सन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म सन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उपर्युक्त सन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना सन्यास अर्थात मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाला संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने आप अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बर्त रहा है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। परंतु जिसका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिसका मन तद्रूप हो रहा है, जिसकी बुद्धि तद्रूप हो रही है, और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा
पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि को भृकुटि के बीच में स्थित करके तथा नासिका के विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है।